स्टूडेंट्स, आज हम लोग सर्किट थ्योरी का एक चैप्टर पढ़ेंगे, नेटवर्क पैरामीटर्स। स्टूडेंट्स, सबसे पहले देखें कि नेटवर्क होता क्या है। नेटवर्क हम सिंपल भाषा में ये बोल सकते हैं कि नेटवर्क वो रास्ता होता है जिसको करंट फॉलो करता है। मतलब हम सिंपल भाषा में बोल सकते हैं, नेटवर्क इज़ दी पाथ फॉर दी करंट टू फ्लो। और नेचुरली नेटवर्क जो होता है या जो भी सर्किट होता है, ये कई सारे पैरामीटर्स या कई सारे एलिमेंट्स को मिलकर के हम लोग एक नेटवर्क या सर्किट का गठन करते हैं, इनको हम बनाते हैं। जनरली हम लोग हमारी बात करते हैं, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के अंदर तीन हमारे मेजर एलिमेंट्स होते हैं, रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस एंड कैपेसिटेंस। तो जनरली हम लोग बोलते हैं कि रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस, कैपेसिटेंस, वोल्टेज सोर्स, करंट सोर्स, बैटरी, इनको हम लोग मिला के एक कोई नेटवर्क का डिजाइनिंग करते हैं, नेटवर्क का गठन करते हैं, नेटवर्क या सर्किट को बनाते हैं। तो स्टूडेंट्स, आज हम लोग ये नेटवर्क पैरामीटर्स के बारे में ही पढ़ेंगे कि कितने तरह के नेटवर्क पैरामीटर्स हमारे होते हैं, जिनको हम अपने सहूलियत के हिसाब से, अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से यूज़ करके अलग अलग टाइप के नेटवर्क्स को बनाते हैं। सबसे पहले स्टूडेंट्स, आप देखें जो नेटवर्क पैरामीटर का क्लासिफिकेशन है, उसका पहला जो टाइप ऑफ नेटवर्क एलिमेंट होता है वो हमारे होते हैं एक्टिव एंड पैसिव एलिमेंट्स। एक्टिव एलिमेंट्स स्टूडेंट्स वो एलिमेंट्स होते हैं जो सर्किट को एनर्जी या सर्किट को पावर प्रोवाइड करते हैं। एक्टिव एलिमेंट्स के कारण ही सर्किट में करंट का फ्लो होना स्टार्ट होता है। जिस तरह से हम लोग बोलें कि कोई हमारा एक वोल्टेज सोर्स है, कोई हमारा एक करंट सोर्स है, कोई हम सिंपल एक बोले कोई हमारी बैटरी है, तो ये सारे हमारे सोर्सेज या जो हमारे एलिमेंट्स हैं, ये हमारे एलिमेंट्स कहलाते हैं, एक्टिव एलिमेंट्स या एक्टिव पैरामीटर्स। सिंपल भाषा में अगर मैं बोलूँ तो एक्टिव एलिमेंट्स या एक्टिव पैरामीटर्स वो एलिमेंट्स होते हैं जो सर्किट में जान डालने का काम करते हैं, या हम बोलें वो एलिमेंट्स या वो पैरामीटर्स जिनके कारण सर्किट में करंट का फ्लो होना स्टार्ट होता है, ये हमारे स्टूडेंट्स कहलाते हैं एक्टिव एलिमेंट्स या एक्टिव पैरामीटर्स। इनका हमारा एग्जांपल्स है, वोल्टेज सोर्स हो गया, ये हमारा एसी सोर्स भी हो सकता है, ये हमारा डीसी सोर्स भी हो सकता है, इसी तरह हमारा करंट सोर्स हो गया, या कोई हम सिंपल बोले हमारी बैटरी हो गई। दीज आर ऑल नोन एज एक्टिव एलिमेंट्स या एक्टिव पैरामीटर्स। पैसिव एलिमेंट्स या पैसिव पैरामीटर्स कौन से होते हैं? पैसिव एलिमेंट्स ट्रांसफॉर्म्स और स्टोर्स एनर्जी। मतलब ये एलिमेंट्स वो एलिमेंट्स होते हैं जो या तो एनर्जी को कंज्यूम करते हैं या एनर्जी को स्टोर करते हैं। इनके एग्जांपल स्टूडेंट्स हमारे हैं रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस या कैपेसिटेंस। तो रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस हमारे पैसिव एलिमेंट्स या पैसिव पैरामीटर्स कहलाएंगे। तो स्टूडेंट्स, फर्स्ट क्लासिफिकेशन हमारा नेटवर्क एलिमेंट्स का या नेटवर्क पैरामीटर्स का हमारा है एक्टिव एंड पैसिव एलिमेंट्स। दूसरा क्लासिफिकेशन का हमारा कहलाता है लीनियर एंड नॉन लीनियर एलिमेंट्स। अब स्टूडेंट्स, इनको हम लोग पढ़ते हैं, लीनियर एलिमेंट्स आर गवर्न्ड बाय लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ अप्लाइड वोल्टेज एंड एक्सपेक्टेड आउटपुट। लीनियर एलिमेंट्स वो एलिमेंट्स होते हैं जिसमें करंट और वोल्टेज में एक जो रिलेशन होती है वो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के द्वारा गवर्न होती है। एग्जांपल्स का जैसे हमने देखा रेजिस्टेंस, अगर मैं वोल्टेज और करंट में रिलेशन देखूं फॉर रेजिस्टेंस, तो मेरी रिलेशन होती है ओम्स लॉ के हिसाब से वी इज इक्वल टू आई आर। तो ये हमारा जो रेजिस्टेंस हो गया, ये हमारा एक लीनियर एलिमेंट हो गया। इसी तरह से अगर हम लोग देखें सेल्फ इंडक्टेंस, जिसको हम डिनोट करते हैं कैपिटल एल से, तो हम बोलते हैं वी इज इक्वल टू एल डी आई अपॉन डी टी, जहाँ वी हमारा क्या है वोल्टेज, एल हमारा इसमें है सेल्फ इंडक्टेंस, एंड डी आई अपॉन डी टी हमारा इसमें है रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट। तो स्टूडेंट्स, इसके अंदर भी जो वोल्टेज और करंट है, इसमें जो रिलेशन है वो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन से गवर्न हो रही है, इसलिए सेल्फ इंडक्टेंस भी हमारा एक तरह का लीनियर एलिमेंट है। अब हम बात करें कैपेसिटेंस की, तो जिस तरह हम लोग बोलते हैं फॉर इंडक्टेंस वी इज इक्वल टू एल डी आई अपॉन डी टी, इसी तरह से हम लोग बोल सकते हैं आई इज इक्वल टू सी डी वी अपॉन डी टी, जहाँ पे आई है हमारा करंट इन द सर्किट या करंट जो फ्लो हो रहा है, सी हमारे इसमें कहलाता है कैपेसिटेंस, जिसका हमारा यूनिट हम जनरली लेते हैं फैराड, और डी वी अपॉन डी टी हमारे इसमें कहलाता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वोल्टेज। तो स्टूडेंट्स, कैपेसिटेंस के अंदर भी वोल्टेज और करंट में जो इक्वेशन होती है या जो रिलेशन होती है वो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के द्वारा गवर्न होती है।
तो हमारा जो रेजिस्टेंस है, सेल्फ इंडक्टेंस है और जो कैपेसिटेंस है, ये तीनों हमारे एलिमेंट्स कौन से कहलाएंगे? दे आर ऑल नोन एज लीनियर एलिमेंट्स या लीनियर पैरामीटर्स। इसी तरह से स्टूडेंट्स, जो हमारे नॉन लीनियर एलिमेंट्स होते हैं उनमें क्या होता है, करंट पासिंग थ्रू देम डज नॉट चेंज लीनियरली विद द लीनियर चेंजेस इन द अप्लाइड वोल्टेज। जो नॉन लीनियर एलिमेंट्स होते हैं उसमें वोल्टेज और करंट में जो रिलेशन होती है वो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के द्वारा गवर्न नहीं होती है, या हम सिंपल बोले कि जो नॉन लीनियर एलिमेंट होते हैं उनमें जो करंट गुजरता है, नॉन लीनियर एलिमेंट से गुजरने वाला करंट और जो वोल्टेज होता है, इनके बीच में एक लीनियर वेरिएशन नहीं होता। इनके स्टूडेंट हमारे एग्जांपल हैं, जैसे सिंपल हम बोलें डायोड्स या सेमीकंडक्टर डिवाइसेस। सेमीकंडक्टर डिवाइसेस हम जानते हैं कि इसमें जैसे ही मैं वोल्टेज की पोलैरिटी को रिवर्स करता हूँ, मेरा करंट फ्लो होना चेंज हो जाता है। जो डायोड्स होते हैं ये हमेशा काम कब करते हैं, जब ये होते हैं फॉरवर्ड बायस, मतलब जब डायोड की पॉजिटिव प्लेट के ऊपर मैं बैटरी का या वोल्टेज का पॉजिटिव सिरा लगाऊँ और डायोड के नेगेटिव वाली एंड के ऊपर मैं वोल्टेज या बैटरी का नेगेटिव सिरा लगाऊं, तो डायोड मेरा कहलाएगा फॉरवर्ड बायस। इस कंडीशन पे डायोड अपने अंदर से करंट गुजारेगा, या हम बोलेंगे डायोड कंडक्शन कर रहा है। परंतु अगर मैं पोलैरिटी ऑफ वोल्टेज रिवर्स कर दूं, मतलब अगर मैं डायोड की पॉजिटिव प्लेट पे बैटरी या वोल्टेज का नेगेटिव सिरा लगा दूं और डायोड की नेगेटिव प्लेट के बैटरी या वोल्टेज का पॉजिटिव सिरा लगा दूं, तो डायोड मेरा कहलाएगा रिवर्स बायस और डायोड इस वाली कंडीशन पे होगा नॉन कंडक्टिंग मोड के अंदर। तो स्टूडेंट्स, हम लोगों ने देखा कि जो नॉन लीनियर एलिमेंट्स होते हैं इनमें करंट और वोल्टेज के बीच में कोई एक लीनियर रिलेशनशिप नहीं होती। तो सेमीकंडक्टर डिवाइसेस होती हैं या डायोड्स होते हैं, ये हमारे इसमें कहलाते हैं नॉन लीनियर एलिमेंट्स। इसी से स्टूडेंट्स, टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए हम लोग नेटवर्क पैरामीटर्स का थर्ड क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं, यूनिलैटरल एंड बाईलैटरल एलिमेंट्स। यूनिलैटरल एलिमेंट्स हैव डिफरेंट लॉज रिलेटेड टू वोल्टेज एंड करंट्स फॉर डिफरेंट डायरेक्शंस ऑफ करंट। जिससे मैंने अभी बताया आपको कि जो यूनिलैटरल एलिमेंट होते हैं, सबसे पहले स्टूडेंट्स आप देखें यूनि का मतलब क्या होता है, वन, मतलब ये हमारे वो एलिमेंट्स होते हैं जिनकी कंडीशन ऑफ ऑपरेशन जो होती है वो इनके ऊपर हम लोग किस पोलैरिटी का वोल्टेज लगाते हैं उसके हिसाब से हमारी चेंज हो सकती है। मतलब हम ये सिंपल भाषा में बोलें कि अगर हम लोग जिस तरह से वोल्टेज की पोलैरिटी को हम लोग इन एलिमेंट्स पे चेंज करें, तो अकॉर्डिंगली इन एलिमेंट का ऑपरेशन भी चेंज हो जाएगा। इनके भी एग्जाम्पल्स हमारे स्टूडेंट्स डायोड्स या सेमीकंडक्टर डिवाइसेस होते हैं। मैंने आपको पहले ही बताया कि डायोड जो है वो फॉरवर्ड बायस मोड में ही कंडक्ट करता है। अगर मैं डायोड के ऊपर वोल्टेज की पोलैरिटी को रिवर्स कर दूंगा, मैं डायोड को रिवर्स बायस मोड में ले आऊंगा, तो डायोड मेरा नॉन कंडक्टिंग मोड में पहुंच जाएगा। तो यूनिलैटरल एलिमेंट के हमारे एग्जांपल कौन से हुए, डायोड्स या सेमीकंडक्टर डिवाइसेस। इसी तरह स्टूडेंट्स, जो हमारे बाईलैटरल एलिमेंट्स होते हैं, बाईलैटरल एलिमेंट्स कैन ट्रांसमिट वेल इन आइदर डायरेक्शन। मतलब बाईलैटरल एलिमेंट्स वो एलिमेंट्स होते हैं कि इनके ऊपर मैं वोल्टेज की पोलैरिटी को कैसे भी लगाऊं, इनके अंदर से गुजरने वाले करंट के मैग्नीट्यूड पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हमारे एग्जांपल्स क्या हैं, रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस या कैपेसिटेंस। मैं रेजिस्टेंस की दोनों सिरों पे सपोज बोलता हूँ कि रेजिस्टेंस के लेफ्ट वाले में मैंने बैटरी का प्लस लगा दिया, राइट वाले के सिरे के ऊपर मैंने बैटरी का नेगेटिव लगा दिया, तो भी रेजिस्टेंस से करंट गुजरेगा। अगर मैं रेजिस्टेंस की लेफ्ट प्लेट पे नेगेटिव लगा दूं और राइट प्लेट पे बैटरी का पॉजिटिव लगा दूं, तो भी उससे गुजरने वाले करंट के मान में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस हमारे कहलाएंगे बाईलैटरल एलिमेंट्स। इसी तरह स्टूडेंट्स, हमारा फोर्थ क्लासिफिकेशन होगा लम्प्ड एंड डिस्ट्रीब्यूटेड एलिमेंट्स। इसमें देखें आप स्टूडेंट्स, फिजिकली सेपरेबल एलिमेंट्स आर नोन एज लम्प्ड एलिमेंट्स। जिन एलिमेंट्स को फिजिकली आपस में सेपरेट करना संभव हो, आपस में सेपरेट करना पॉसिबल हो, वो हमारे स्टूडेंट्स कहलाते हैं लम्प्ड पैरामीटर या लम्प्ड एलिमेंट। इसके एग्जाम्पल हमारे क्या है, प्योर रेजिस्टेंस, प्योर इंडक्टेंस एंड प्योर कैपेसिटेंस। स्टूडेंट्स यहाँ पे ध्यान दें, मैंने यहाँ पे एक वर्ड बोला है प्योर रेजिस्टेंस। प्योर रेजिस्टेंस का मतलब ये होगा वो एलिमेंट जो बिल्कुल शुद्ध प्रतिरोध होगा, मतलब इस एलिमेंट में थोड़ा सा भी इंडक्टिव इफेक्ट या कैपेसिटिव इफेक्ट नहीं आएगा। इसी तरह स्टूडेंट्स, अगर मैं बोलूँ प्योर इंडक्टेंस, तो प्योर इंडक्टेंस के अंदर पूरा का पूरा सेल्फ इंडक्टेंस हम बोलें L होगा, इसमें किसी भी मात्रा में
थोड़ा सा भी रेजिस्टेंस या थोड़ा सा भी कैपेसिटेंस का प्रभाव नहीं होगा। इसी तरह स्टूडेंट हमने बोला प्योर कैपेसिटेंस, प्योर कैपेसिटेंस वो कैपेसिटेंस होगा जो पूरा का पूरा कैपेसिटिव होगा, इसके अंदर थोड़ा सा भी मात्रा में रेजिस्टिव इफेक्ट या इंडक्टिव इफेक्ट नहीं होगा। तो प्योर रेजिस्टेंस, प्योर इंडक्टेंस या प्योर कैपेसिटेंस हमारे इसमें कहलाते हैं लम्ब्ड एलिमेंट या लम्ब्ड पैरामीटर्स। जो प्योर रेजिस्टेंस, प्योर इंडक्टेंस या प्योर कैपेसिटेंस हम लोग जनरली बोलते हैं कि दे आर नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल। इसी तरह स्टूडेंट्स हमारे इसमें कहलाते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड एलिमेंट या डिस्ट्रीब्यूटेड पैरामीटर्स। जो हमारे डिस्ट्रीब्यूटेड एलिमेंट्स होंगे वो एलिमेंट्स होंगे दे जिनको हम लोग फिजिकली सेपरेट नहीं कर सकते, मतलब दीज एलिमेंट्स कैन नॉट बी सेपरेटेड फिजिकली। हमारा सबसे बेस्ट एग्जांपल इसका एग्जांपल मैं दूंगा आपको ट्रांसमिशन लाइन। जो आप स्टूडेंट्स रोड पे देखते हैं ट्रांसमिशन लाइन, वो हमारा एग्जांपल है डिस्ट्रीब्यूटेड एलिमेंट या डिस्ट्रीब्यूटेड पैरामीटर का। अब स्टूडेंट ट्रांसमिशन लाइन हमारा डिस्ट्रीब्यूटेड एलिमेंट किस तरह से हुआ इसको आप देखें। जो हमारी ट्रांसमिशन लाइन होती है अगर इसको आप ध्यान से देखें तो ये जनरली हमारी कॉपर की या एल्यूमिनियम की बनी होती है। ट्रांसमिशन लाइन जो होती है इसमें कॉपर या एल्यूमिनियम की जो हमारी वायर्स होती हैं आप उनको ध्यान से देखिए, वो आपस में जिस तरह से चोटी होती है उस तरह से उनको हम लोगों ने आपस में गूंथा हुआ होता है, आपस में एक दूसरे के ऊपर वो स्ट्रैंडेड होती हैं। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले अगर मैं बोल रहा हूँ कि ये मेरी ट्रांसमिशन लाइन कॉपर की या एल्यूमिनियम की बन रही है, तो कॉपर या एल्यूमिनियम हमारा क्या हो गया, कंडक्शन एलिमेंट हो गया, तो मतलब कंडक्टिव एलिमेंट का थोड़ा बहुत रेजिस्टेंस भी होगा। दूसरी बात, मैंने कॉपर की या एल्यूमिनियम की वायर को चोटी जैसे गूंथा हुआ है तो थोड़ा सा इसके अंदर मेरा इंडक्टिव इफेक्ट भी आ जाएगा। उसके बाद स्टूडेंट्स आप देखें हमारा कैपेसिटेंस क्या होता है। कैपेसिटेंस स्टूडेंट हमारा क्या होता है, दो कंडक्टिंग एलिमेंट्स या दो कंडक्टिंग प्लेट्स को हमने किसी डाइइलेक्ट्रिक के द्वारा अलग किया हुआ है। तो अब ट्रांसमिशन लाइन में कैपेसिटिव इफेक्ट कैसा है, जो हमारी नीचे ग्राउंड है, जो हमारा इसको हम बोलते हैं अर्थ, अर्थ भी हमारा क्या है, एक तरह का कंडक्टर है, और जो हमारी ऊपर ट्रांसमिशन लाइन है वो हमारी क्या है, कंडक्टर है, और दोनों के बीच में क्या है हमारा एयर, दोनों के बीच में हमारी एयर है। तो ये हमारा दो कंडक्टिंग प्लेट्स, एक हमारी ट्रांसमिशन लाइन होगी और दूसरा हमारा अर्थ हो गया, ग्राउंड हो गया, दोनों के बीच में के अंदर हमारा क्या है एयर, तो ये हमारा क्या बन गया, एक कैपेसिटेंस। तो स्टूडेंट जो ट्रांसमिशन लाइन है ये हमारा बेस्ट एग्जाम्पल है डिस्ट्रीब्यूटेड एलिमेंट का। इसी तरह स्टूडेंट हमारा जो फिफ्थ क्लासिफिकेशन होगा नेटवर्क पैरामीटर का वो हमारा होता है टाइम वेरिंग एंड टाइम इनवेरिएंट पैरामीटर्स। वो पैरामीटर्स जो समय के साथ में वेरी होते हैं, समय के साथ में चेंज होते हैं, वो हमारे कहलाते हैं टाइम वेरिंग पैरामीटर्स, और वो पैरामीटर्स जो समय के साथ में चेंज नहीं होते वो हमारे कहलाते हैं टाइम इनवेरिएंट पैरामीटर्स। देयरफॉर टाइम वेरिंग पैरामीटर्स आर कंटिन्यूअस फंक्शन ऑफ टाइम। जो हमारे टाइम वेरिंग पैरामीटर्स होते हैं ये समय के साथ में लगातार बदलते रहते हैं। हमारे एग्जांपल क्या है आपका, साइनसोइडल करंट या वोल्टेज। आप देखें कोई भी करंट या वोल्टेज की साइन वेव देखें तो वो बीच में कहीं भी आपकी टूटी हुई नहीं होती, कहीं भी उसके अंदर आपकी कोई डिसकंटिन्यूटी नहीं होती, बहुत स्मूथ एक साइन वेव बनती है। हर क्षण पे साइन वेव जो है वो अपना मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन चेंज करती रहती है। तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि टाइम वेरिंग पैरामीटर्स या टाइम वेरिंग एलिमेंट्स वो एलिमेंट्स होते हैं जो टाइम का कंटिन्यूस फंक्शन होते हैं। इसी तरह स्टूडेंट्स जो हमारे टाइम इनवेरिएंट पैरामीटर होते हैं वो टाइम के साथ में या वो समय के साथ में कंटिन्यूसली वेरी नहीं होते। सब हम इसको बोल सकते हैं कोई पल्स, ये हमारी कौन कौन सी है, टाइम इनवेरिएंट पैरामीटर्स। इसी तरह स्टूडेंट हमारा सिक्स क्लासिफिकेशन है वोल्टेज एंड करंट सोर्स। जैसे मैंने सबसे पहले जो हमने बताया क्लासिफिकेशन आपको एक्टिव एलिमेंट्स, तो वोल्टेज और करंट सोर्स जो है ये हमारा इसका एक नेक्स्ट क्लासिफिकेशन है। जो हमारा वोल्टेज और करंट सोर्स होते हैं ये हमारे दो तरह के होते हैं, आइडियल सोर्सेज या प्रैक्टिकल सोर्सेज। जो हमारा मैंने आप देखें यहाँ मैंने डायग्राम बना रखा है, जो मेरा वोल्टेज वाला फर्स्ट डायग्राम है ये मेरा इसमें है आइडियल डीसी वोल्टेज सोर्स। आइडियल डीसी वोल्टेज सोर्स स्टूडेंट्स क्या होता है, आइडियल सोर्स वोल्टेज सोर्स वो सोर्स होता है जिसमें से मैं कितना भी करंट निकाल लूँ इस वोल्टेज सोर्स का मान पे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। मतलब सपोज मैं बोलता हूँ कि मेरे पास कोई एक 12 वोल्ट की आइडियल बैटरी है, तो आइडियल बैटरी के ऊपर अगर मैं कितना भी लोड लगा दूं, मतलब मैं इस बैटरी से कितना भी करंट बाहर खींच लूं, इस बैटरी के वोल्टेज पे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये कब पॉसिबल होगा, जब वोल्टेज सोर्स का इंटरनल रेजिस्टेंस हमारा होगा शून्य, जो कि संभव नहीं है। तो आइडियल वोल्टेज सोर्स वो वोल्टेज सोर्स होगा
जिसके अंदर से मैं कितना भी करंट खींच लूँ परंतु उसके वोल्टेज के मैग्नीट्यूड पे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। इसी से स्टूडेंट्स आप देखें दूसरा डायग्राम देखें, ये मेरा इसमें है आइडियल एसी वोल्टेज सोर्स। थर्ड मेरा डायग्राम स्टूडेंट है प्रैक्टिकल डीसी वोल्टेज सोर्स। इसमें आप देखें वोल्टेज सोर्स के सीरीज के अंदर मैंने एक रेजिस्टेंस लगा रखा है, ये रेजिस्टेंस कौन सा है, इस वोल्टेज सोर्स का इंटरनल रेजिस्टेंस। इसी से स्टूडेंट फोर्थ डायग्राम देखें आप, मैंने यहाँ पे एक लगा रखा है जेड, जेड मीन्स इम्पिडेंस, इम्पिडेंस को मैंने वोल्टेज एसी वोल्टेज सोर्स के सीरीज में लगा रखा है। तो ये स्टूडेंट जो फोर्थ डायग्राम है ये मेरा कहलाएगा प्रैक्टिकल एसी वोल्टेज सोर्स। इसी तरह से आप आगे करंट के डायग्राम्स पर आइए, करंट के डायग्राम्स में स्टूडेंट आप देखें पहला मैंने जो डायग्राम बना रखा है जिसके अंदर मैंने एक सर्कल बना रखा है, सर्कल के अंदर मैंने एक एरो बना रखा है और एरो का तीर का निशान मेरा ऊपर की तरफ है। तो ये स्टूडेंट मेरा इसमें कहलाएगा आइडियल करंट सोर्स। जो हमारा आइडियल करंट सोर्स होगा ये हमारा इसका फर्स्ट डायग्राम है। दूसरा डायग्राम मेरा स्टूडेंट्स में है आइडियल एसी करंट सोर्स। आइडियल जो करंट सोर्स होंगे ये हमारे बिल्कुल आइडियल वोल्टेज सोर्स की जगह प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। तो हमारे हम क्या करेंगे प्रैक्टिकल करंट सोर्सेज के बारे में पढ़ेंगे। जो प्रैक्टिकल करंट सोर्सेज हैं स्टूडेंट करंट वाले केस के अंदर आप थर्ड डायग्राम देखिए, मैंने करंट सोर्स के पैरेलल में एक लगा रखा है रेजिस्टेंस, ये रेजिस्टेंस कौन सा है, जो मेरा इस करंट सोर्स का इंटरनल रेजिस्टेंस है। तो स्टूडेंट्स ये करंट वाले केस में थर्ड डायग्राम मेरा इसमें कहलाएगा प्रैक्टिकल डीसी करंट सोर्स। इसी तरह से करंट वाले केस में लास्ट डायग्राम आप देखें मैंने एसी करंट सोर्स के पैरेलल में लगा रखा है एक इम्पीडेंस, तो ये स्टूडेंट मेरा कहलाएगा प्रैक्टिकल एसी करंट सोर्स। तो ये स्टूडेंट्स हमारे इसमें कहलाते हैं वोल्टेज सोर्सेज एंड करंट सोर्सेज। इसी तरह स्टूडेंट हमारा लास्ट क्लासिफिकेशन आता है डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट सोर्सेज। फॉर डिपेंडेंट सोर्सेज द सोर्स वोल्टेज एंड करंट इज नॉट फिक्स्ड बट डिपेंडेंट ऑन वोल्टेज और करंट एट सम अदर लोकेशन इन द सर्किट। जो हमारे डिपेंडेंट सोर्स होते हैं इनका जो खुद का मान होता है वो सर्किट में कई सारे पैरामीटर्स की लोकेशन पर डिपेंड करता है। मतलब अगर मैं डिपेंडेंट सोर्स की लोकेशन सर्किट में चेंज कर दूंगा तो मेरे डिपेंडेंट सोर्स का मैग्नीट्यूड भी चेंज हो जाएगा। परंतु जो मेरा इंडिपेंडेंट सोर्स होता है भले ही वो मेरा करंट सोर्स हो या वोल्टेज सोर्स हो, जो इंडिपेंडेंट करंट या वोल्टेज सोर्स होगा उसका मान सर्किट में इनकी पोजीशन पर डिपेंड नहीं करता। मतलब इनका मान सर्किट की पोजीशन पे अगर मैं चेंज भी कर दूंगा तो भी इनके मान में कोई चेंज नहीं होगा। तो स्टूडेंट्स ये हमारा इलेक्ट्रिकल सर्किट थ्योरी का एक टॉपिक था नेटवर्क पैरामीटर्स, या मैं सिंपल भाषा में बोलूँ क्लासिफिकेशन ऑफ नेटवर्क पैरामीटर्स। डिफरेंट टाइप ऑफ नेटवर्क पैरामीटर्स या सर्किट एलिमेंट्स के बारे में हमने पढ़ा जिनको हम लोग अपने हिसाब से यूज़ करके डिफरेंट टाइप्स ऑफ सर्किट की डिज़ाइनिंग करते हैं। थैंक यू। मैं मुकेश शाही, लेक्चरर इलेक्ट्रिकल, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज राजसमंद। थैंक यू।